सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं GTA 5 माइकल के साथ। तो यार जैसे कि लास्ट एपिसोड में यार आप सभी लोग को पता है कि जो डायमंड कैसीनो का ओनर है उसने लेस्टर को किडनैप करवा लिया था और उसने यार माइकल से एक काम करवाया था जिसके बदले में यार उसने लेस्टर को छोड़ा। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं यार कि जो काम उसने हमसे करवाया था वो यार सिर्फ एक दिखावा था। उसने लेस्टर को किडनैप इसलिए करवाया था ताकि यार वो माइकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सके, मतलब माइकल की जितनी भी प्रॉपर्टी है और माइकल की जितनी भी सीक्रेट लोकेशन है, बैंक बैलेंस, इस सब के बारे में यार, ताकि वो लेस्टर से इन्फॉर्मेशन निकाल सके। तो लेस्टर को यार उसने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया था जिससे यार लेस्टर ने उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता दिया। ठीक है, तो उसने क्या करा, माइकल के जितने भी आइलैंड थे, घर थे, मतलब जितनी भी माइकल के सीक्रेट बेस, मतलब जो जो माइकल की सीक्रेट लोकेशन थी ना, उन सब पे यार उसने अपने बंदे भिजवाए और उन सब पे यार उन्हें डाका डलवा लिया। तो माइकल की जितनी भी कमाई थी अभी तक की, मतलब इसने गोल्ड और जो इसकी जितना भी कैश था वो सारा इसने अपने एक सीक्रेट आइलैंड में रखा था जो कि यार यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो वहां पर उसने सारा का सारा पैसा रखा था। और बाकी इसके जितने भी मैंशन और एक और आइलैंड है और जो सीक्रेट बेस है, तो वहां पर माइकल ने फिलहाल एक रुपए भी नहीं रखा था। तो उसने यार उन सारी की सारी लोकेशंस पे हमला करवाया, मतलब डाका डलवाया। ठीक है, तो उन सब लोकेशन में उनको एक रुपए भी नहीं मिला, बट यार माइकल जिस आइलैंड में अक्सर जाता रहता है तो उस लोकेशन में उनको सारा का सारा पैसा मिल गया। मतलब माइकल के यार वहां पर पूरे के पूरे 5,000 मिलियन डॉलर्स रखे हुए थे। ठीक है, तो वो सारा का सारा कैश यार वो लोग लेकर चले गए, मतलब उसमें कैश भी था, गोल्ड भी था और डायमंड्स भी थे। तो वो सारे का सारा वो लोग लेकर चले गए। तो अभी फटाफट से हम लोग यार पहले तो वहीं पर जाते हैं लोकेशन में और वहां चलकर देखते हैं उन्होंने खाली कैश लिया या पूरा तबाह कर आ गए हमारा आइलैंड। तो हम लोग यार अपनी BMW लेकर चलते हैं जो कि यार हम लोग ने कल ही परचेस करी है, तो इसी को फिलहाल हम लोग लेकर चलते हैं यार। ठीक है, पहले रेडियो बंद करते हैं इसका। तो देख रहे हो, मतलब सीधा यार हमारे आइलैंड पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया यार, हद है यार भाई। तो चलकर देखते हैं कहीं उनके बंदे अभी भी वहां पर खड़े हों। तो फिलहाल सुनने में तो आया कि अभी उन्होंने हमारा कैश ही लिया है सिर्फ। तो पहले मैं लोकेशन मार्क कर लेता हूँ यार। तो वो आइलैंड देखो इस साइड में है या यहाँ पर कहीं। तो चलते हैं हम लोग फटाफट से यार इस लोकेशन में। तो यहाँ से तो खैर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं फिलहाल। तो देख रहे हो, मतलब यार 5,000 मिलियन डॉलर्स थे यार भाई, पता नहीं कैसे वो लोग लेकर चले गए यार तुरंत ही। मेरे को लग रहा है इनकी नज़र काफ़ी टाइम पहले से थी यार। देख रहे हो, मतलब 10 मिलियन डॉलर्स के हम लोग ने रॉबरी करी, मतलब फ्रैंकलिन ने रॉबरी करी और भाई हमारे 5,000 मिलियन डॉलर्स लेकर चले गए यार वो लोग। देख रहे हो, मतलब हद है भाई बिल्कुल ही। तो गाइस यार मैं आप लोग को बता दूं कि यार हम लोग अभी फिलहाल उसको कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यार देखो जब फ्रैंकलिन यार रॉबरी कर रहा था तो एक वहां पर सीक्रेट कैमरा रखा हुआ था जिसके बारे में यार लेस्टर को भी नहीं पता था। ठीक है, तो उस कैमरे में यार फ्रैंकलिन की पूरी फुटेज आ चुकी है। ठीक है, तो उसके पास यार पूरा का पूरा सबूत है कि वो रॉबरी यार फ्रैंकलिन ने ही करी है। तो अगर वो बंदा यार पुलिस वालों को वो फुटेज दे देता है तब तो भाई फ्रैंकलिन तो गया भाई। ठीक है, तो फ्रैंकलिन को तो यार वो लोग पहले तो अपनी पोजीशन से हटा देंगे, मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा देंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि पहली बात तो देखो उसको यार बहुत तगड़ी वाली जेल हो जाएगी। तो अपन लोग कार को इधर पार्किंग में पार्क करके चलते हैं। ठीक है, ओके, अरे अरे भाई भाई आराम से। तो अपन लोग अपनी कार को देखो यहीं पर पार्क कर देते हैं, यहाँ से एकदम सेफ रहेगी कार। तो वो अपना आइलैंड देखो उस तरफ को है। और गाइस यार मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो आइलैंड है ना, ये माइकल ने एकदम सीक्रेट तरीके से खरीदा था जिसके बारे में यार अभी फिलहाल फ्रैंकलिन और लेस्टर को ही पता है। ठीक है, फ्रैंकलिन, लेस्टर और इसकी जो फैमिली है उन सबको ही पता है इसके बारे में। और माइकल का एक और आइलैंड था जिसमें यार एक मैंशन भी बना हुआ था, तो वहाँ पर तो फिलहाल अभी माइकल ने कुछ भी पैसे नहीं रखे थे, तो यहीं पर माइकल ने सारे के सारे पैसे रखे हुए थे। तो यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। तो वो देखो भाई, वो है देखो वो आइलैंड, तो जिसके ऊपर यार देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी लगी हुई है। देख रहे हो, वो एक डुप्लीकेट टाइप हम लोग ने वहाँ पर बनवा रखा था। हमने क्या बनवाया था, जिसे हमने वो आइलैंड खरीदा था तो वहीं पर उसने वो बनवाया था। देख रहे हो, वो है देखो लोकेशन। तो फटाफट से हम लोग नीचे को चलते हैं, उसके बाद वहाँ पर मिलते हैं यार। ठीक है, ओके गाइस, तो अपन लोग नीचे आ चुके हैं। तो फटाफट से हम लोग जेट स्की में बैठ कर चलते हैं अपने आइलैंड की तरफ। ओके चलो भाई, अब चलते हैं फटाफट से हम लोग अपनी आइलैंड की तरफ और चलकर देखते हैं वहाँ पर उन्होंने कुछ कैश छोड़ा भी है कि सारा का सारा ही ले गई। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, इतना सारा कैश रखा था ना वहाँ पे 5,000 मिलियन डॉलर्स, पता नहीं वो लोग लेकर चले कैसे गए यार भाई, पता नहीं कैसे ले गए यार। तो चलकर देखते हैं यार कि क्या उन्होंने तबाही मचाई है वहाँ पर जाकर यार। ठीक है, वैसे तो आइलैंड में इतना कुछ खास था नहीं, बट यार हम सिर्फ एक कैश ही रखा हुआ था वहाँ पर, कैश, गोल्ड और डायमंड, ये सब। देख रहे हो, मतलब यार हद है यार। अभी फिलहाल यार माइकल के पास कुल मिला के यार बैंक में सिर्फ 2 मिलियन डॉलर्स होंगे। ओके, तो इसको हम लोग यहीं पर लगा देते हैं। तो माइकल के पास अभी फिलहाल बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे यार 2 मिलियन, अरे 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 माइकल, ठीक है, तो माइकल के अकाउंट में यार सिर्फ अभी 2 मिलियन डॉलर्स बाकी हैं। तो माइकल के जितनी भी कमाई थी अब तक की लाइफ टाइम अर्निंग, तो वो सारी की सारी यार वो लोग लेकर चले गए। ठीक है, तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ यार, पहले तो मैं फ्रैंकलिन को कॉल कर देता हूँ यार फटाफट से, क्योंकि यार देखो वो उसके पास जो पैसा है मैं उससे कहूँगा कि वो यार अपने लेमार को लेकर कहीं और शिफ्ट करवा दे। तो उसका जो दोस्त है लेमार, आप लोग शायद उसको जानते होंगे, तो वो यार पैसा लेकर कहीं और उसको शिफ्ट कर देगा। क्योंकि यार देखो हमारे पैसे जब उसने चोरी करवा लिए तो भाई वो फ्रैंकलिन के पैसे भी चोरी करवा सकता है। ठीक है, क्योंकि रॉबरी तो फ्रैंकलिन ने ही करी है। तो मैं फटाफट से उसको कॉल मिला के बोल देता हूँ।
ओके गाइस, तो मैंने यार फ्रैंकलिन को कॉल करके बोल दिया है, तो वो यार लेमार को अभी सारे के सारे अपने जितने भी उसका उसके पास कैश और गोल्ड है वो सारा एक ट्रक में भरवा कर वो उसको कहीं और शिफ्ट करवा रहा है। ठीक है, मतलब लेमार की एक सीक्रेट लोकेशन है, लेमार का ही जो एरिया है तो वहाँ पर वो उसको शिफ्ट करवा रहा है। तो वो अपन लोग फटाफट से चलते हैं यार। और देख लो, ये वाला आइलैंड हमारा काफ़ी प्यारा आइलैंड था भाई। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल अभी कोई रहता तो नहीं था, सिर्फ एक दो दुकानें हमने यहाँ पे लगवाई थी। देखो ये जैसे हॉट डॉग वाले हम लोग ने खड़ा करवा रखा है यहाँ पर। ओ भाई देख रहे हो, मतलब भाई साहब इतना सारा कैश रखा था ना यहाँ पर, भाई साहब देख रहे हो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा भाई उन लोगों ने। ये देखो ये भी क्यों छोड़ दिया यहाँ पर, ये को ये भी लेकर ही चले जाते हैं भाई। देख रहे हो मतलब आग वाग लगा दी भाई इसमें भी, हद है यार इन लोग की भी यार। तो ये वाला तो हमारा फिलहाल के लिए सेफ है थोड़ा बहुत, पता नहीं कितना कैश होगा यार, इतना भी क्यों छोड़ दिया उन लोगों ने, इसको भी लेकर ही चले जाते यार। क्या यार सारा का सारा कैश लेकर भाई, और गोल्ड हम लोग ने उसे अंदर की तरफ रखा था। तब तो भाई वो बंदा गया हमारे हाथ से, मतलब उसकी ऐसी धजिया उड़ाएंगे ना हम लोग भाई, वो जी नहीं पाएगा चैन से, सीधा उसको हेडशॉट देकर उड़ाएंगे यार। तो अब हम लोग चलते हैं यार सीधा लेस्टर के पास, क्योंकि वही हमें कुछ ना कुछ प्लान बताएगा यार, क्योंकि यार ऐसे ही चलता रहा तो ये तो हमें चैन से बिल्कुल भी नहीं जीने देगा यार। और हमारा जितना भी कैश होगा हर बार हम लोग आइलैंड में कहीं पर रखेंगे तो हमेशा चोरी करके ले जाएगा यार। ठीक है ना, तो अब चलते हैं हम लोग यार लेस्टर के पास, पहले तो उस साइड में जाना पड़ेगा। तो हम लोग यार जेट्स की में बैठ जाते हैं, ओ आराम से आराम से। तो ये वाली लेकर चलते, ये हमारी प्राइवेट जेट्स की है, वो वाली तो हम लोग वहाँ से पता नहीं किसकी उठा कर ले आए थे, तो उसी में चलते हैं यार अब अपन लोग। ओके ओके गाइस, तो अपन लोग आ चुके हैं अपने एरिया में, तो अब चलते हैं हम लोग यार अपनी BMW को लेकर यार फटाफट से लेस्टर के पास, क्योंकि यार देखो ऐसे ही चलता रहा ना भाई कसम से बहुत दिक्कत हो जाएगी यार अपन लोग को। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई बंदा कुछ ज़्यादा हवा में उड़ने में लगा यार। मतलब यार $10 मिलियन के बदले उसने यार हमारे $5,000 मिलियन ले लिए यार, हद है यार कसम से। हट जाओ यार, अभी वैसे दिमाग ख़राब हो रहा है, किसी एक को उड़ा दूंगा। हट जा हट जा हट जा, ये देखो ये देखो, मतलब हट जा कह रहा हूँ तो गाड़ी के सामने आ रहा है, और हद है भाई बंदा भी कमाल है ये वाला। तो अब चलते हैं हम लोग लेस्टर के पास, तो मैं लोकेशन पहले तो मार कर लेता हूँ लेस्टर के, जो लोकेशन है तो लेस्टर का घर यहाँ पर है। तो चलते हैं फटाफट हम लोग लेस्टर के घर पे, उसके बाद चलकर देखते हैं कि वो कुछ हमें प्लान बताता है। अरे अरे भाई भाई, अबे एक तो यहाँ दिमाग ख़राब वैसी हो रहा है, ये देखो पुलिस वाले को देखो। तो अपन लोग को अभी फिलहाल इनसे कुछ लेना देना नहीं, अपन लोग चलते हैं खाली में, ये लोग ने दिमाग ख़राब कर दो यही मरेंगे हमारे हाथ से। अबे यार हट जाओ जल्दी से यार, खाली में गोली वोली चल जाएगी तो मरोगे फिर हमारे हाथ से। और गाइस यार वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक भी कर ही देना यार, ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में कसम से बहुत ज़्यादा ही मेहनत लग जाती है यार, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और गाइस आप लोग को पता है यार मैंने माइनक्राफ्ट की सीरीज़ अपने चैनल पर स्टार्ट कर दी है, तो अगर आप लोग चाहते हो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ तो मेरे को कमेंट करके बता देना यार, ठीक है ना। तो वैसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया आपने कल माइनक्राफ्ट की सीरीज़ में, तो अगर आप लोग चाहते हो यार मैं माइनक्राफ्ट की सीरीज़ ऐसी कंटिन्यू रखूँ ना तो मेरे को आप लोग कमेंट करके बता देना। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं माइनक्राफ्ट के अंदर कोई और नई चीज़ करूँ तो उसके लिए भी आप लोग मेरे को सजेशंस दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट ज़रूर कर देना यार। और गाइस आप लोग मेरे को ये भी बता देना कि आप लोग को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, मतलब जितनी भी मैं वीडियोज़ अभी फिलहाल के लिए डालता हूँ। और गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि यार हिटमैन 2 भी अपनी चैनल पर खेलना स्टार्ट करूँ, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके ये भी बता देना कि मुझे यार हिटमैन 2 की सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओ ओ भाई अबे ओ हो ठीक है यार, तो मेरे को कमेंट करके बता देना यार। ठीक है, हिटमैन 2 मैंने यार अभी रिसेंटली उसको डाउनलोड करा है, तो मेरे को यार आप लोग कमेंट करके बता देना। ठीक है, वैसे काफ़ी बढ़िया गेम है यार हिटमैन 2 भी। और गाइस यार मैं एक गेम और जल्दी डाउनलोड करने वाला हूँ, रेड डेड रिडेम्पशन 2, तो अगर आप लोग चाहते हो मैं उस गेम की सीरीज़ भी अपने चैनल पर लाऊं तो वो उसके लिए भी यार आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब आप लोग को तीन चीज़ें बतानी, ठीक है, मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग को एक बार रीकैप दे देता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि यार माइनक्राफ्ट की सीरीज़ मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि मुझे हिटमैन 2 की सीरीज़ डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए, ठीक है, दूसरी चीज़ तो ये। और तीसरी चीज़ ये कि रेड रिडेम्पशन 2 की भी मेरे को सीरीज़ लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में आप लोग मेरे को 1, 2, 3 करके यार बता देना, ठीक है। तो अब चलते हैं आप लोग यार लेस्टर के पास, तो लेस्टर का वैसे एरिया आने ही वाला है बस, ठीक है ना, तो कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। और ये चीज़ भी बता देना कि आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो अब आप लोग का यार भाजी पाला तो हो गया होगा दिमाग का, तो अब चलते हैं हम लोग यार लेस्टर के पास। अब मैं ज़्यादा कुछ आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करने वाला, ठीक है ना, तो अब चलते हैं। चलो भाई लेस्टर का घर भी बातों बातों में आ ही गया, तो फटा ओके उस साइड में यार लेस्टर का घर, मैंने गलत लोकेशन मार्क कर दी थी शायद। ओके गाइस यार, तो हम लेस्टर के घर पर यार पहुँच चुके हैं, ठीक है ना, तो अपन लोग कार को भाई अपन लोग कार को यहीं पर पार्क कर देते हैं आराम से आराम से, ठीक है। तो लेस्टर फिलहाल अपने घर पर ही है, और इसका घर यार उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरा, तो घर भी यार इसने अपना सही करवा लिया है, क्योंकि घर अगर सही नहीं करवाया। अरे बंद है क्या भाई, अरे भाई खोल दे यार लेस्टर, लग रहा है हमें डोरबेल बजानी पड़ेगी, जल्दी खोल दे यार लेस्टर।
ओके गाइस, जब दरवाजा खुल चुका है और लेस्टर देखो यहाँ पे काम वाम कर रहा है, तो उससे हम लोग यार बातचीत कर देते। वैसे इसको सारी चीज़ तो पता ही है, तो उससे हम लोग बातचीत करते हैं और देखते हैं कुछ प्लान या कुछ हमें ये बताएगा, उसके बाद यार कुछ हो पाएगा क्योंकि ऐसे तो भाई काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, तो मैं इससे फटाफट से यार बातचीत कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो यार मैंने लेस्टर से सारी की सारी बातचीत कर ली है, तो अभी फिलहाल तो यार देखो लेस्टर के पास कोई भी प्लान नहीं है, तो अभी यार लेस्टर प्लान बना रहा है और कुछ ना कुछ सोचेगा यार। ठीक है, क्योंकि लेस्टर यार अभी अभी वहाँ से आया, तो अभी फिलहाल यार लेस्टर की हालत थोड़ी सही नहीं है, मतलब तबीयत खराब सी उसकी लग रही है। तो लेस्टर यार जब कुछ प्लान व्लान बनाएगा और कुछ सोचेगा उसके बाद यार काम चलेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग यार फिलहाल अपने घर की तरफ ही चलते हैं। ठीक है, ओके, तो अपन लोग अपनी कार में बैठते हैं यार, ठीक है ना। ओके गाइस, मैं आप लोग को बता दूं कि अभी भी मेरे पास यार फ्रैंकलिन का कॉल आया और उसने अभी ये बोला कि यार जो लेमार है ना, जो उसका दोस्त है, तो उसको यार फ्रैंकलिन ने सारा का सारा पैसा देकर, मतलब उसके पास भी यार जितना पैसा था, यानी कि उसके पास भी यार देखो 2.5 से 3 हज़ार मिलियन डॉलर था, वो सारा का सारा पैसा उसने लेमार के हाथ में भिजवाया था। मतलब उसके पास जितना भी गोल्ड, कैश, डायमंड ये सब चीज़ें थी, तो वो सारा का सारा पैसा उसने एक ट्रक में लोड करवा के लेमार के हाथ भिजवाया था। तो गाइज, मैं आप लोग को बता दूं यार कि जो डायमंड कैसीनो का ओनर है, उसने लेमार को भी किडनैप करवा लिया यार। देख रहे हो, मतलब उसका जो ट्रक है सीधा उसके ट्रक के साथ ही यार उसको किडनैप करवा लिया। देख रहे हो, मतलब कितने तेज है यार वो लोग। वो लोग फिराक में थे कि जैसे यार फ्रैंकलिन भी अपना पैसा कहीं और शिफ्ट करवाएगा, क्योंकि देखो माइकल के घर पर उन लोगों ने डाका डाला था। मतलब यार उसको पता ही था कि माइकल फ्रैंकलिन को ये बात जरूर बताया कि इसके अब सारा का सारा पैसा लूट चुका है, तो फ्रैंकलिन भी अपना पैसा सारा का सारा शिफ्ट करवाएगा। देख रहे हो, मतलब शिफ्ट करवाने की देरी हुई नहीं कि उन लोगों ने लेमार को ही किडनैप करवा लिया। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें लेमार को बचा कर लाना है, क्योंकि देखो लेमार काफी ज्यादा काम का बंदा है और फ्रैंकलिन का सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, क्योंकि फ्रैंकलिन जब ग्रीन गैंग में था तो लेमार सबसे बेस्ट था उसका। तो फटाफट से हम लोग लेस्टर को ये सारी बातें बताते हैं कि फ्रैंकलिन सबसे पहले हम लोग को बताइए, ठीक है, बात की। तो मैं फटाफट से लेस्टर से बातचीत करके आ जाता हूँ और फटाफट से लेस्टर कुछ ना कुछ प्लान जरूर बनाएगा लेमार को बचाने का। तो फटाफट से मैं लेस्टर को बताकर आता हूँ, ठीक है, जल्दी से। ओके गाइस, तो यार मैंने लेस्टर को सारी बात बता दी है, तो वो यार बस प्लान बना रहा है। तो अभी फिलहाल यार हम लोग देखो फ्रैंकलिन के पास चलते हैं और उसको हम लोग लेकर आते हैं। और गाइस, उसने भी थोड़ी बहुत चीज़ें बताई कि गाइस वहाँ पर जाना ना एकदम सेफ नहीं है, अकेले जाना। अगर माइकल अकेले जाएगा या फ्रैंकलिन अकेले जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो देखो ट्रेवर भी हमारे साथ ही चलेगा, मतलब ये वाला जो मिशन एक होगा तो ये यार तीनों साथ में ही करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ठीक है, जब यार डायमंड कैसीनो के ओनर इतना ज़्यादा खतरनाक है, उसने लेस्टर को किडनैप करवा लिया, ठीक है, हमारे जितने भी आइलैंड थे वहाँ से उन्हें पैसा चोरी करवा लिया और यहाँ तक कि लेमार को भी किडनैप करवा लिया, तो भाई वो बंदा एकदम खतरनाक सा बंदा लग रहा है अभी फिलहाल के लिए। और उसने यार उसके बाद देखो अभी फिलहाल इतना सारा पैसा है कि वो यार पूरी सिटी खरीद सकता है, मतलब पूरी सिटी में जितने भी बंदे हैं ना, जितने भी बॉडीगार्ड और जितने पुलिस तक को खरीद सकता है यार वो। ठीक है, तो फिलहाल उसने बहुत सारे अपने बॉडीगार्ड तो वहाँ पर फिलहाल रखे होंगे। तो वैसे देखो अगर माइकल अकेला जाता भी है ना, तो माइकल तो देखो बचकर आ जाएगा, बट यार अगर तीनों अगर साथ में जाएंगे ना, तो भाई एक एक को चुन चुन के मार कर आएंगे, ठीक है ना। अरे अरे भाई, तो अभी तो फिलहाल हमें वहीं पर जाना है, तो चलते हैं फटाफट से हम लोग यार लोकेशन पे, और लोकेशन पे भी मैं आप लोग को मिलता हूँ, ठीक है। और जब मिशन मिशन स्टार्ट हो जाएगा अपन लोग का, तो लेस्टर भी यार वहीं पर पहुँचने वाले, और ये सारा प्लान यार लेस्टर ही बनाएगा। तो चलते हैं फटाफट से यार हम लोग उस लोकेशन में। ओके गाइस, तो ये वाला जो मिशन है ये देखो फ्रैंकलिन ही मेन करने वाला है, क्योंकि यार फ्रैंकलिन का दोस्त है वो। देखो तो लेस्टर को अभी हम लोग फटाफट से पहले तो रेडियो बंद करते हैं। तो लेस्टर से हम लोग पहले बातचीत कर लेते हैं, फ्रैंकलिन अभी बात कर रहा है, ठीक है, लेस्टर से। तो ये रेडियो पता नहीं क्या बंद भी नहीं हो रहा अभी फिलहाल, ड्राइविंग कर रहा है तो। ठीक है, ओ भाई भाई भाई, आराम से आराम से आराम से। तो माइकल और ट्रेवर उसी लोकेशन में डायरेक्टली पहुंचने वाले हैं, तो अभी हमें यार सीधा फ्रैंकलिन के साथ खेलकर जाना है, ठीक है, वहां पर। तो चलते हैं फटाफट से हम लोग, लेस्टर में सारा का सारा प्लान समझा रहा है, देख रहा मतलब लेस्टर कितनी जल्दी प्लान बना लेता है यार, ज्यादा टाइम नहीं लगा था भाई लेस्टर प्लान बनाने में। तो चलते हैं फटाफट से हम लोग उस लोकेशन पे, ओके आराम से आने वाला है बस। ओ भाई भाई आराम से आराम से। और गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो मिशन हम लोग कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ही हटके है, ठीक है ना। क्योंकि देखो किसी को भी नहीं पता कि यार फ्रैंकलिन के साथ और माइकल के साथ क्या हुआ है, और फ्रैंकलिन तो यार देखो अभी फिलहाल प्रेसिडेंट बना हुआ है, तो वो यार चोरी छुपे ये सब कर रहा है। तो पहले रेडियो बंद करते हैं यार, ठीक है। तो ये सारा काम यार वो चोरी छुपे कर रहा है, और ये किसी को भी ये बात नहीं पता, सबको ये लग रहा है कि फ्रैंकलिन व्हाइट हाउस के अंदर ही बैठा है, व्हाइट हाउस के अंदर होगा या फिर अपने घर पर या मैंशन में कहीं पर होगा, बट किसी को ये नहीं पता कि हम लोग यार ये काम करने वाले हैं। तो फटाफट से सब चलते हैं हम लोग ट्रेवर के अड्डे पर, क्योंकि वहीं से हमारा मेन मिशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। और लेस्टर हमें फ़ोन पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, तो माइकल और ट्रेवर तो खैर वहीं पर होगा, और माइकल भी वहीं पर पहुँच ही रहा है। ओके गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं उस लोकेशन में, और वहाँ पर मेरे को ओके ट्रेवर है यहाँ पर और माइकल भी खड़ा है। ओके, माइकल और ट्रेवर दोनों है देखो वहाँ पर, और माइकल देखो भाई, माइकल को देखो भाई इतनी बड़ी गन लेकर आया है, देख रहा है मतलब, और अपने कपड़े वपड़े चेंज करके आया है, क्योंकि देखो टक्सीडो पहने हुए हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, ठीक है। ओके, तो तीनों जने साथ में ये मिशन करने वाले हैं, तो यहाँ से वो लोग लोकेशन देख रहे हैं भाई, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने हमारा जितना भी पैसा था ना वो एक लोकेशन में उन लोगों ने छुपा, ये देखो ट्रैवर को देखो भाई
खतरनाक बंदा है भाई ट्रेवर भी, देख रहे हो मतलब तीनों ने भाई कोट पैंट पहन रखा है, ट्रेवर ने भाई, ट्रेवर ने कोट पैंट पहन रखा पहली बार, देख रहे हो मतलब। तो यहाँ से तो फिलहाल अभी कुछ हमें दिख नहीं रहा। ओके तो ये देख, ओ हो लेमार, ये देखो ये है लेमार, तो लोगों ने देखो उसको यहाँ पर छुपा कर रखा है, देख रहे हो मतलब। ओके तो वहां पे बहुत सारे बंदे दिख रहे हैं यार। ओके ओके तो अब हमारा मिशन यार देखो स्टार्ट होने वाला है, तो अब हमें ट्रेवर के साथ खेलना होगा। गोइंग टू द असॉल्टेड पोजीशन, ओके तो हमें यार वहां पर जाना है, तो हमें यार देखो लेमार तो दिख चुका है। ओके तो हमें पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा। ओके 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 तो जितने भी बंदे दिख रहे हैं भाई हमें उनको सबको मारना है भाई, ठीक है ना। तो अपन लोग गन मेरे ख्याल से शॉर्ट गन ले लेते हैं यार पहले, चलो ये जो गन हाथ में इसी से चलाते हैं, ठीक है। ओके तो यहीं से शॉर्टकट मार लेते हैं यार अपन लोग, ठीक है ना। ओके 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 तो माइकल हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमें कहाँ पर जाना है, ठीक है ना। तो चलते हैं फटाफट से। ओके ओके तो यहाँ पे काफ़ी बंदे दिख रहे हैं यार। ओके तो हमें अभी फिलहाल शूट नहीं करना है, हमें सिर्फ ये गाड़ी लेकर जानी है, ठीक है ना। ओके शूट नहीं करना अभी हमें, ठीक है। ओके तो अब हमें फ्रैंकलिन के साथ खेलना है, ठीक है ना। तो अब हमें इस साइड में जाना है। ओके मतलब तीनों को एक एक लोकेशन में, ठीक है, खड़े हो जाना है। तो तीनों तीनों लोकेशन से मारेंगे, एक बंदा स्नैपर से मारेगा और एक बंदा अंदर घुसकर मारेगा, ठीक है ना। तीनों को अलग अलग लोकेशन में वो करना है, खड़े होना है। ओके तो अब हमें देखो लेमार को फाइंड करना है, ठीक है ना, और हमें तीनों कैरेक्टर्स के साथ खेलना है। ओके तो सीधा अंदर घुसते हैं भाई, चल बेटा चल निकल निकल। तो पहले गन चेंज करते हैं भाई, ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूँ मिसाइल से उड़ा देते हैं इनको। और कैसे आप लोग पता थी तीनों ने यार देखो वो पहन रखा है खतरनाक वाला आर्मर। ओके आजा बेटा आजा बेटा आजा 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 बेटा आजा 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 आजा। ओके तो बहुत बंदे यहाँ पे, बहुत बंदे बहुत बंदे। ओके तो ये खड़ा होकर मार रहा है यहाँ से। ओके कहाँ कहाँ, ओ बेटा छुपके छुपके मारेगा बेटा, छुपके मारेगा हैं। अरे बेटा हद है भाई, खड़े खड़े लेटे लेटे मार रहा है। ओके बंदे का है, बंदे का है। और ओके 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 बहुत बंदे हैं यार यहाँ पे, बहुत बंदे हैं, बहुत ज़्यादा ही बंदे। ओके ओके हमें उस साइड जाना है, उस साइड जाना है। ओके 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 देखो ये जा रहा है भाई ट्रैवर। ओके भाई बुलडोजर लेके आया भाई ट्रैवर, देख रहे भाई बुलडोजर से उड़ाएगा सीधा। ओके पीछे बंदे हैं, पीछे बंदे। ओके तो ट्रैवर है, ट्रैवर ना मार रहा है उन लोगों को। ओके ओके तो बंदे गाएँ, बंदे गाएँ। ओके तो ट्रैवर है, ट्रैवर है। ओके ओके भाई, ओके भाई, ओके भाई, ओके ओके। तो ये देखो भाई ये छुपा पड़ा है यहाँ पे, छुपा हुआ भाई, देख रहे हो। ओके तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी एक बंदा है क्या, ऊपर है मेरे ख्याल से। ओके 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 जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत सारे बंदे यहाँ पे, हमें लेमार को फाइंड करना है यार। ओहो वहाँ पे खड़े, वहाँ पे खड़े, वहाँ पे खड़े होकर मारेगा भाई। ओके और कहें, और कहें बंदे कहें, बंदे एक एक बंदे को मारना है भाई। और देख रहे मतलब यहाँ पे बेलास गैंग जो है ना, बेलास गैंग को इन्हें हायर कर रखा है। अरे भाई भाई बहुत बंदे, बहुत बंदे, लग रहा है हमें ऊपर को चढ़ना पड़ेगा। ओके ये खड़ा है, देखो ये खड़ा है, इनके पास सिर्फ कट्टा होता है क्या। ओके बहुत बंदे हैं भाई आगे की तरफ तो। ओके ओके वो देखो भाई, वो देखो ऊपर खड़े होकर मार रहा है भाई बंदा, देख रहे हो। ओके चल निकल बेटा, तू भी निकल। ओके 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 वो देखो वो खड़ा है, वो खड़ा है, तू भी गया, तू भी गया। ओके भाई वो देखो वहाँ खड़े होकर मार रहा है। तो हमें यार माइकल पे स्विच करना है अभी फिलहाल। ओके तो माइकल देखो स्नैपर से शूट करेगा, चल बेटा निकल, तू भी निकल। ओके और कहाँ बंदे कहाँ, बंदे कहाँ। ओके तो हमें अब ट्रैवर से, ट्रैवर से स्विच करना है। ओके ओके बंदे का, ओहो वो खड़ा है बेटा सामने। एक तो यार गन बार बार चेंज कर ले रहा है यार, चल यार चल हो गया। ओके तो अब हमें फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन के पास जाना है यार, ठीक है। अरे यार एक तो फ्रैंकलिन बार बार गन क्यों स्विच कर ले रहा है अपने। ओके कहाँ है बंदे, कहाँ है बंदे, कहाँ है। और चल बेटा चल, अच्छा बेटा इनको तो जाकर ही मारना पड़ेगा भाई, ऐसे तो ये लोग मानने वाले हैं नहीं, ठीक है ना, ऐसे नहीं मानेगा ये बंदा। ओके एक बंदा यहाँ पे पीछे छुपा है, पीछे छुपा है। ओके वो देखो, वो देखो, वो देखो, चल बेटा चल निकल, छुप छुप के खेलो, तुम तो छुपते रहना हमेशा। ओके तो वो देखो वो खड़ा है बंदा। ओके तो ये है लेमार, लेमार, लेमार। ओके लेमार मिल गया, लेमार मिल गया हमें। ओके आजा भाई आजा। ओके चल भाई चल, गन ले ले और आ जल्दी आ जल्दी आ। ओके तो लेमार ने भी गन ले लिया, तो अब हमें लेमार को सेव करते करते जाना है यार, ठीक है ना। ओके अबे 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 निकल 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 बेटा निकल, मर गया क्या, निकल बेटा निकल, निकल के दिखा दी।
निकल बेटा निकल 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 निकल। ओके तो मैं एक काम करता हूँ ना यार, मिसाइल से मारता हूँ इन लोग को, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इन लोग का, बहुत ज़्यादा हो रहा है इन लोग का, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है भाई, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है इन लोग का, बहुत हो रहा है इनका, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है इनका, बहुत ज़्यादा। चल बेटा निकल, तू भी निकल, तू भी निकल। ओके तो एक ओहो बेटा निकल 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 बाहर निकल, निकलना निकल निकल निकलना। ओके ओके ओके, अच्छा बेटा हमें हमें मारेगा, हमें मारेगा। ओके तो ये तो ट्रेवर और लेमार आ रहे हैं। ओके तो लग रहा है हमने सारे बंदों को मार दिया, ठीक है ना। ओके अभी और है बंदे। ओके हेडशॉट मारते हैं भाई, सीधा 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 हेडशॉट। ओके 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 ओके, मिसाइल है ना, मिसाइल है ना, कारें उड़ाते हैं इनकी सारी की सारी। चल बेटा चल निकल, चल तू भी निकल, तू भी निकल। अरे एक बंदा सामने से आ रहा था भाई, मैंने इसके ऊपर ध्यान ध्यान तक, तो हमें यार माइकल के ऊपर स्विच करना है। ओके तो माइकल करेगा आप सारा का सारा काम। ओके अरे यार माइकल गन चेंज करना है यार, वही गन लेके बैठा हुआ है। चल बेटा चल 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 चल, निकल 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 बेटा निकल। ओके ओके और कहाँ हैं बंदे, कहाँ हैं। ओके तो वो अपन लोग स्नैपर से देखते हैं यार, ठीक है ना। चल बेटा ओके तो हमें फ्रैंकलिन और लेस्टर को बचाना है यहाँ से खड़े होके। ओके तो बंदा तो मेरे को यहाँ कोई दिख नहीं रहा। ओके ओके ओके, यहाँ कोई बंदा तो फिलहाल मेरे को दिख नहीं रहा। ओके ओके तो बीच में है क्या बंदा, किस साइड में, मेरे को दिख नहीं रहा। नेक्स्ट काम करता हूँ, ट्रेवर में स्विच करता हूँ। ओहो यहाँ पर छुपा पड़ा है, यहाँ पर छुपा है बंदा, है यहाँ पर छुपा हुआ है। हद है भाई, कहाँ छुप के बैठा हुआ है वो भी। अबे मरा नहीं अभी तक ये। एक तो एक गन ना ये वाली बड़ी अजीब सी गन है। ओके ओके गाइस, तो लग रहा है सारे बंदे ख़त्म हो चुके हैं। ओके ओके गो बैक इन द हाउस। ओके अब हमें वापस जाना है, ठीक है। तो अपन लोग कौन सी कार लें यार, अबे यार कोई कार भी तो नहीं है ढंग की यार, यार कौन सी कार लें, कौन सी कार लें यार दिखा। ओके तो ये खड़ी पीछे का, पीछे कार खड़ी है, इस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया भाई बिल्कुल ही। ओके बैठ जा भाई लेमार, बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ। तो अब हमें भाई लेमार को लेकर यहाँ से जाना है, ठीक है। तो और जितना भी कैश होगा ना वो सारा का सारा देखो ट्रेवर और माइकल लेकर आ जाएंगे, क्योंकि देखो कैश भी सारा का सारा यहीं पर ही होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर नहीं मिला तो उनका जो बॉस होगा ना, मतलब यहाँ पे एक आध बंदा हम लोग ने छोड़ कर रखा है, तो उससे हम लोग अच्छे से पूछताछ करेंगे, उसके बाद जाकर हम लोग अपना कैश वैश लेकर आ जाएंगे। ओके तो चलते हैं फटाफट से हम लोग यार वापस से घर की तरफ, ठीक है ना। तो हमारा मिशन देखो सक्सेसफुल तो हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि देखो हमें मेन चीज़ ये थी कि लेमार बच जाए, ठीक है, क्योंकि लेमार को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसे वैसे तो देखो आते जाते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग को लेमार को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। ओके क्योंकि लेमार है भाई देखो फ्रैंकी का सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना, सबसे बचपन का दोस्त है लेमार इसका। और वैसे भी देखो ये ग्रीन गैंग, ग्रीन गैंग का हेड है लेमार, तो फ्रैंकलिन भी पहले ग्रीन गैंग में ही था, ठीक है, आप लोग को पता होगा अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं, वैसे पता ही होगा खैर आप लोगों को। ओके तो लोकेशन देख रहे हो भाई, कौन सी लोकेशन से लेते हो जा रही है भाई, लोकेशन आप लोगों ने देखी तक नहीं होगी अभी तक, वैसे देखी होगी शायद पता नहीं। ओके गाइस तो अपन लोग पहुंच चुके हैं यार लेमार के अड्डे पर, मतलब यहाँ पर फ्रैंकलिन भी पहले रहता था। तो फ्रैंकलिन का घर पीछे की साइड रह गया, वो देखो पीछे की तरफ है भाई फ्रैंकलिन का घर। तो लेमार को हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। ओके तो लेमार यहीं पर रहेगा, क्योंकि देखो भाई लेमार का घर तो यहीं पर है, फ्रैंकलिन का भी फिलहाल प्रेसिडेंट बना हुआ है। ओके चलो भाई देख रहे हो इसकी हालत, देख रहे हो मारपीट की क्या हाल कर रखा है उन लोगों ने इसका। ओके गाइज यार ट्रेवर तो देखो अपने घर वापस जा चुका है, ठीक है ना, अपना ट्रक लेकर। और गाइज मैं आप लोग बता दूं कि यार यहाँ पर अभी फिलहाल हमें एक रुपए भी नहीं मिला, ठीक है ना। तो हमने यार एक बंदे को किडनैप करा है जो कि यार ट्रेवर लेकर चलेगा जिस बंदे को, तो उसकी यार वो अच्छे से पहले खातिरदारी करेगा। और ये पुलिस वाले पता नहीं क्यों आए यहाँ पे, लग रहा है गोलीबारी चल रही थी इसलिए आए होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो बंदा मतलब ट्रेवर उससे पूछताछ करेगा, अगर वो बंदा कुछ बताता है तो सही है। ओके मैं वापस क्यों जा रहा हूँ, तो अगर वो बंदा बताता है तो सही है, नहीं बताता है तब तो भाई फिर जो मेन बंदा है लेस्टर ही फिर कुछ प्लान बनाएगा यार उस डायमंड कैसीनो के ओनर को मारने का, या फिर जो फुटेज हम लोग को उससे लेनी है वो चुराने का, ठीक है। अगर वो फुटेज हमें मिल जाती है ना तब तो भाई अपना काम हो जाएगा भाई, तब तो हमें बिल्कुल ईजी पड़ेगा उस बंदे को मारना, ठीक है ना। तो अब हम लोग यार अपने घर पर ही चलते हैं, क्योंकि देखो भाई इतना कांड तो हो चुका है, अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते अभी फिलहाल के लिए। तो बाकी अगर फुटेज मिल जाती है तब यार कुछ काम हो पाए शायद, तो हम लोग उस अरे अरे भाई भाई भाई
ओके तो हम लोग कह रहे हैं फिलहाल अपने घर पर जाना है। तो आज की इस वीडियो का हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को यार वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और यार अगर चैनल पर नया आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में यार बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए यार डेली GTA 5 की वीडियो जरूर लाता हूं। और मेरे को यार आप लोग कमेंट करके ये भी बताना, ठीक है, आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं और जो जो मैंने आपसे पूछा, ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे, अगर आप लोग को याद नहीं तो भाई वीडियो रिवाइंड कर देख लो, ठीक है ना। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।